brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. यदि हम बात करें होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र की, तो एक तो ट्रेन बड़ा मुद्दा है और दूसरा उसके साथ नर्मदा, दोनों ही चीजें ऐसी हैं जो इस क्षेत्र की, जिसको हम रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, चुनाव लड़ रही है। और जो कांग्रेस है वो इस समय अभी यहाँ के लोकल की बात करें तो वो नीचे जाती हुई लग रही है, लेकिन कांग्रेस ने जिस प्रत्याशी को उतारा है, वो प्रत्याशी अभी हाल ही में विधानसभा से चुनाव हारे थे, लेकिन एक अपना खुद का उनका वर्चस्व है। पूरे क्षेत्रीय चुनाव हमारे विधानसभा के हो चुके, उस समय क्षेत्र का मुद्दा था, पर पूरे लोकसभा के अंदर हमेशा है, थोड़ी होगा कि हम नर्मदापुरम के लिए तेंदुखेड़ा या नरसिंहपुर या यहाँ से ही प्रत्याशी जाए। यहाँ तक किसानों के साथ और साजिश से के तहत आंदोलन खत्म करके वो सीधे भाजपा में चले गए थे। नमस्कार, मैं हूँ अनुज ममार और आप देख रहे हैं एनपी तक का खास प्रोग्राम चौपाल। आज हम हैं होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र के नरसिंहपुर जिले में, जहां से बीजेपी के प्रत्याशी दर्शन चौधरी चुनाव मैदान में हैं, वहीं कांग्रेस से संजय शर्मा चुनाव मैदान में हैं। आज हमारे बीच में बीजेपी के लोग भी शामिल हैं इस चौपाल में और कांग्रेस के लोग भी इस चौपाल में शामिल हैं, साथ ही कुछ गणमान्य पत्रकार भी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे बीच में शामिल हैं। सबसे पहले जानते हैं पत्रकारों से कि क्या परिस्थितियां हैं इस लोकसभा चुनाव की। आशीष जी, क्या मानते हैं, क्या परिस्थितियां हैं? देखिए अनुज जी, ये चुनाव जो है लोकसभा चुनाव है, और यदि हम बात करें होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र की, तो एक तो ट्रेन बड़ा मुद्दा है और दूसरा उसके साथ नर्मदा, दोनों ही चीजें ऐसी हैं जो इस क्षेत्र की, जिसको हम रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, जिसको लाइफ लाइन कह सकते हैं। यदि इटारसी से जबलपुर चलने वाली ट्रेन है तो वो पूरे क्षेत्र के लिए बड़ा महत्व रखती है। तो ये दो बड़े मुद्दे हैं, और एक प्रत्याशी जो है वो नरसिंहपुर जिले से बिलोंग करते हैं, दूसरे प्रत्याशी जो है वो होशंगाबाद से बिलोंग करते हैं। एक प्रत्याशी है वो काफी अमीर है, एक प्रत्याशी है जिनके पास एक नेता की तुलना में देखा जाए तो बहुत कम धन दौलत और शोहरत है। तो ऐसे हाल में जनता का रुख क्या होगा, अभी जनता इस बात पे चिंतन भी कर रही है कि प्रत्याशी की जो प्रोफाइल है वो क्या है, उसके साथ इस बात पे चिंतन कर रही है कि लोकल मुद्दे क्या हैं। तो वही मोदी बनाम अन्य जो है, कांग्रेस हो चाहे बसपा हो, उसका चुनाव भी है, तो मोदी बनाम कांग्रेस भी है, तो इन सब चीजों के लिए जनता जो है कैलकुलेशन लगा रही है। अंतिम दौर है, पहले चरण का चुनाव हो चुका है, दूसरे चरण का चुनाव है, बहुत नजदीक से फाइट देखी जा रही है। यदि हम कहें संजय शर्मा, तो संजय शर्मा एक बड़ी प्रोफाइल के कांग्रेस नेता है, तो भाई दर्शन सिंह तो एक किसान नेता है, तो दोनों के बीच में कसमाकस जो है, मुकाबला जो है बड़ा तगड़ा मुकाबला कह सकते हैं, और कांटे की टक्कर होगी निसंदेह, इसमें कोई शक नहीं है। जनता भी इस बात के लिए अभी पशुपेश में है कि उसका मत और उसका रुझान कहाँ जाए, ये भी वह समझ नहीं पा रही है फिलहाल में। दीपक कौरव जी है, आप भी पत्रकार हैं, दीपक जी कैसे मानते हैं, क्या कड़ा मुकाबला है? देखिए, यहाँ ये नर्मदापुरम नरसिंहपुर लोकसभा सीट की बात करें तो अनुज जी, यहाँ पर 8 विधानसभाएं आती हैं और लगभग 8 में बीजेपी के विधायक हैं मौजूदा। सरकार मध्य प्रदेश में बात करें तो बीजेपी की है, और बीजेपी जो पार्टी है वो मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है, विकास के नाम पर चुनाव लड़ रही है। और जो कांग्रेस है वो इस समय अभी यहाँ के लोकल की बात करें तो वो नीचे जाती हुई लग रही है, लेकिन कांग्रेस ने जिस प्रत्याशी को उतारा है, वो प्रत्याशी अभी हाल ही में विधानसभा से चुनाव हारे थे, लेकिन एक अपना खुद का उनका वर्चस्व है, पूरे क्षेत्र में उनकी एक अलग पहचान है, और आर्थिक रूप से भी मजबूत प्रत्याशियों में गिने जाते हैं। तो इस तरीके से अभी बात करें तो दोनों प्रत्याशियों में, दोनों पार्टियों में फिलहाल अभी चुनाव आमने सामने की फाइट लग रही है। आने वाला समय ये तय करेगा कि आखिर जीत किसके सर जाती है। बीजेपी के संदीप ममार जी हैं, संदीप जी क्या लेकर वोट मांगने जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं? मुद्दा ये चुनाव लोकल का है ही नहीं, ये चुनाव राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है, और ये राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं। यहाँ ना इस पार उस पार का मुद्दा है, ना छोटे बड़े का मुद्दा है, ये सब बातें, ये किस जाति से है प्रत्याशी, किस धर्म से, ये कोई मुद्दा नहीं है। हमारी संस्कृति, सामर्थ्य और समृद्धि, इन चीजों को लेके, हमारे विजन को लेके ये चुनाव हो रहा है। एक तरफ सारा विपक्ष है जो सिर्फ मोदी हटाओ को नारे के लेकर मैदान में उतरा है, और एक तरफ मोदी है, भारतीय जनता पार्टी, और उसके साथ कार्यकर्ताओं की एक बड़ी टीम है जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हम देखते हैं किस परिप्रेक्ष्य में आज हम भारत को किस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहते हैं। हम भारत को एक
शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। ये भी सच है कि भारत पहले से शक्तिशाली रहा है, लेकिन आज विश्व में जो भारत की एक पहचान बनी है मोदी जी के नेतृत्व में, वो कोई विषय किसी से अछूता नहीं है, चाहे अमन से नागरिकों को निकालने का मामला हो। विकास भी एक मुद्दा रहे। बिल्कुल, विकास पूरा मुद्दा है। विकास की बात करें तो मैं अभी 200 करोड़ के काम तो सिर्फ करेली के आजू बाजू गिना दूंगा, छोटा सा शहर हमारा करेली, 200 करोड़ के काम मैं बता सकता हूं कि अभी चल रहे हैं। यदि मैं पूरे तथ्य सहित प्रूफ सहित बात बता सकता हूं, हमारे करेली के बाद हुई अभी 4 फ्लाईओवर तो अभी निर्माणाधीन है, अभी काम चल रहा है। करेली का फ्लाईओवर देखें, अंडरब्रिज देखें, 20 करोड़ से हमारा रेलवे स्टेशन बन रहा है, हमारा 10 करोड़ से अस्पताल बन रहा है, 40 करोड़ से हमारा स्कूल बन रहा है, थाना बना है 3.5 करोड़ से। विकास की बात, विकास कांग्रेस के पास चलते हैं, कांग्रेस मनोहर ठाकुर जी हैं। मनोहर ठाकुर जी किस बात को लेकर मतदाताओं के बीच में जा रहा है, और बीजेपी जो है विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में है, और राष्ट्रीय जो उनका सम्मान बढ़ा है उसको लेकर? कांग्रेस पार्टी मुख्य रूप से हमारे क्षेत्र में क्षेत्रीय विकास हमारी प्रमुख प्राथमिकता है। हमको सभी को विश्वास है कि हमारा क्षेत्र का प्रत्याशी अगर सांसद बनेगा तो निश्चित ही हमारे क्षेत्र में जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो प्रमुख समस्याएं हैं, उनका निराकरण होगा। ऐसी आशा के साथ सारी कांग्रेस पार्टी और सारे क्षेत्र की जनता, सरदली जनता जिसको कहें, सबके मन में ये है कि हमारे जिले का प्रत्याशी इस बार सांसद बने, जिससे हमारे विकास की गति और तेज हो। स्थानीय मुद्दा प्रत्याशी का कितना आप अहम मानते हैं? जैसा कि मनोहर भाई ने कहा कि क्षेत्र का विकास, तो मैं तो पूरी लोकसभा को अपना क्षेत्र मानता हूं। क्षेत्रीय चुनाव हमारे विधानसभा के हो चुके हैं, उस समय क्षेत्र का मुद्दा था, पर पूरे लोकसभा के अंदर हमेशा है, थोड़ी होगा कि हम नर्मदापुरम के लिए तेंदुखेड़ा या नरसिंहपुर या यहाँ से ही प्रत्याशी जाए। पार्टी का विचार है कहाँ का प्रत्याशी लाना चाहिए, और लोगों को ये पता भी है कि दर्शन सिंह जी जो है वो 5 बार 5 विषय में पोस्ट ग्रेजुएट है, गोल्ड मेडलिस्ट है, योग्य प्रत्याशी है हमारा, और किसानों का हित चिंतक है। ऐसी स्थिति में विकास का मुद्दा तो है ही, पर किसानों के विकास के लिए भी हमारे दर्शन सिंह जी काम करेंगे। किसान नेता रहे हैं दर्शन सिंह जी, और बताएं क्या मुद्दे रहेंगे? और किसान नेता हैं दर्शन सिंह जी, और स्थानीय मुद्दे की बात हो रही है तो संजय शर्मा जी भी बात, क्या क्षेत्र के किसान तो उनको किसान नेता नहीं मानते हैं? पहले उन्हें आंदोलन भी किया था किसानों के साथ, और साजिश से तहत आंदोलन खत्म करके वो सीधे भाजपा में चले गए थे, और शिक्षा कर्मियों के साथ भी इन्होंने भाजपा के खिलाफ धरना प्रदर्शन किए थे, इसलिए इनकी छवि खराब है अभी भी होशंगाबाद क्षेत्र में। और महंगाई और बेरोजगारी कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा है, और इसी को लेकर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, एवं संजय शर्मा बहुत ज्यादा वोटों से जीतेंगे। चुनाव को आप कहाँ देखते हैं, क्या स्थितियाँ? चुनाव की स्थिति साफ है, सब जगह आपको दिख रहा है, जनता में भी मोदी जी को जो लेके जो लहर चल रही है, यानी प्रत्याशी तो ठीक है, लेकिन सब पब्लिक भी चाह रहे हैं कि मोदी जी इस बार 400 पार हूँ, क्योंकि जो मोदी जी का जो गारंटी है वो सबको पता है कि उनकी जो गारंटी है वो हमेशा कहीं ना कहीं तक लोगों को मिली है, कहीं तक उनकी गारंटी फेल नहीं हुई। मोदी जी का अंडर करेंट है, क्या बताते हैं? गारंटी तो उन्होंने मोदी जी के नाम पर लोग वोट अपने आप दे रहे हैं। 15 लाख की भी गारंटी दी थी मोदी जी ने। गारंटी नहीं, विषय जो मोदी जी के नाम पर वोट मिल रहा है, और यहाँ का जो पिछले यदि रिकॉर्ड देखा जाए तो करीब 5.5 लाख से यहाँ के प्रत्याशी जीते थे, तो कांग्रेस को आप कहाँ देखते? कांग्रेस इस बार चुनाव जीत रही है, क्षेत्रीय संजय शर्मा जी हमारे क्षेत्र के हैं, और देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी ने क्या किया, सटलती बंद हो गई करेली की, मेमू चल रही है, ऐसी चल रही है जैसे ओवरलोड बस चल रही हो। रेलवे के आप मुद्दे देखें, रेलवे की स्थिति क्या है आज, अमृत स्टेशन बना रहे, बाहर का सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो लोहे का, अंदर की बिल्डिंग जहाँ की तहाँ है, मतलब केंद्र के जो मुद्दे हैं वो कहाँ गए? 450 का सिलेंडर कहा था, 450 का सिलेंडर नहीं मिल रहा, 1100-1200 का सिलेंडर लेना पड़ रहा है, लाडली बहनों को बोला था 1250, 2 से 2.5-3 लाख उन्होंने बहनों के नाम काट दिए हैं, 3000 तक लाडली बहनों को ले जाने को कहा था, आज तक कुछ नहीं हुआ, सब जी बातें हैं लप्पेबाजी। रेलवे एक बड़ी समस्या है, ट्रेनें बंद हो रही हैं गरीबों की, और महंगाई की भी बात आ रही सामने। महंगाई की जो लोग बात कर रहे हैं,
विश्व स्तर की महंगाई देखें पहले, ये मोदी की देन है कि भारत आज स्टेबल खड़ा है। महंगाई और बेरोजगारी की बात करने वाले पहले 14 के पहले की स्थिति पर भी तो ध्यान दें। उस समय क्या था भाई, उस समय क्या घर घर रोजगार था? एक एक घर में 10-10 लोग काम कर रहे थे क्या? आज मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे चाहिए 4 कर्मचारी ला के दो। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियों के शटडाउन हो चुके हैं, बेरोजगारी की स्थिति अपने अपर लोअर पे है। और साथ ही हमारे जो बात कर रहे थे, उस वक्त पूरा विश्व आर्थिक मंदी जो दौड़ रहा था, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2004 में कमान संभाली थी और इतना बढ़िया कार्य करके उन्हें आर्थिक क्षेत्र में दिया, जो कंपनियों को लाके रोजगार दिए, इतने बड़े देश में इतनी जनसंख्या, सबको रोजगार संभव कैसे थे? उनका एक कॉन्सेप्ट था, एक ब्लूप्रिंट था गेट के तहत कि बड़ी बड़ी कंपनियां देश में आएंगी, सबको रोजगार मिलेंगे, वेतनमान बढ़ा के दिए, 6वें वेतनमान, 7वें वेतनमान, मनमोहन सिंह जी की देन है। तो रोजगार तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को पीवी नरसिम्हा राव, कांग्रेस के हमारे आधार स्तंभ इन्हीं ने दिया। मनमोहन सिंह के कार्यकाल को याद किया जा रहा है। मनमोहन सिंह और मोदी, जमीन आसमान का फर्क है, सिर्फ एक ही चीज सब पे भारी है, राम मंदिर। और तो उसी के ऊपर तो ये चुनाव तो उसी के ऊपर, हम लोग 500 साल बाद मंदिर का निर्माण हो रहा है। सब कांग्रेस भाइयों को साथ देना चाहिए कि नहीं, मोदी मंदिर एक प्रमुख मुद्दा है बीजेपी का। धर्म की यदि बात करें तो अभी इलेक्ट्रोल बांड को लेके आंकड़े साफ हुए हैं, 250 करोड़ जो चंदा है, हिंदुवाद और धर्म की बात करने वाली भाजपा पार्टी ने 20 कंपनियों से 250 करोड़ का चंदा लिया है। ये दोहरे चंदा एक बड़ी मुद्दा बता रहा है संदीप। ये चंदा ना मुद्दा है ना कोई एसआईपी मुद्दे हैं। मोदी जी ने गरीबों को आवास देने के साथ साथ हमें प्रभु राम को भी आवास दिया है, इस बात के लिए हमारा जीवन तो धन्य हो गया। ये कलयुग में ये जो हमारी जो पीढ़ी है, उसका ये सौभाग्य है कि हमने मंदिर को बनते देखा है, नहीं तो पहले की पीढ़ियों ने तो मंदिर को टूटते हुए देखा था। जब त्रिपाल में भगवान थे, जब कहाँ का विकास था, आज भगवान के अच्छा मंदिर बन गया। ये तो एक हम लोगों का सौभाग्य है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमको ना एक भी रक्तपात हुआ, ना आपस में गालियां हुई, ना डंडे चले, ना कहीं कर्फ्यू लगा, और राम मंदिर का निर्माण हो गया। ये क्योंकि पॉलिटिकल ये लोग होने नहीं देते थे, मोदी जी ने वो कर दिखाया। आज हम देखे चांद पे झंडा गड़ाया है, जब हमने चांद पे जिस दिन झंडा गड़ाया था, उस दिन हर भारतवासी अपने आप को पुनः गौरवान्वित महसूस कर रहा था। किसी भी सेक्टर में जाइए, चाहे अंतरिक्ष की बात करें, चाहे पाताल की बात करें, पनडुब्बियों की बात करें, चाहे एम्स की बात करें, 24-24 एम्स बनवा दिए, नेशनल हाईवे में तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये सब बहाना है। सुरेश पचौरी जी को क्या नहीं दिया कांग्रेस ने? पहचान नहीं दी सुरेश पचौरी जी की? 4-4, 5-5 बार राज्यसभा से पहुंचाया, प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, हम लोग ने उनके पीछे होकर काम किया। उनको तो कुल मिला के जितने लोगों को अपने धंधे चलाना है, तो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन है, इस मशीन में जाओ, शुद्ध हो जाओ, VIP ब्लैक से व्हाइट हो जाओ। भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन है। नेता साफ हो रहे, कैसा नेता साफ हो जाते हैं बीजेपी में आने वाले। अच्छा, और पहले भी तो जाते तब नहीं थी क्या वॉशिंग मशीन? देखो आप कितने कुछ बोलो, मुद्दे से यदि भटक रहे हो तो कांग्रेस नहीं आई, ये तो क्लियर है। मुद्दा होना चाहिए विकास का। आप देश में विकास देखो नीचे से लेकर ऊपर तक, एक आप GDP देखो, दो तीसरा कोरोना के समय यदि आप थोड़ा पीछे जाते हो तब देखो हर घर को वैक्सीन, और यहाँ तक कि विदेशों में भी वैक्सीन, ठीक। और भैया लोग के भी लगवा रहे वैक्सीन, और क्या कह रहे हैं कि नकली वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे। बताएं, वैक्सीन कंपनी वालों से भी इनने चंदा लिया है, तब उसको अप्रूवल मिला है, ऐसे नहीं मिला है। ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिससे ये चंदा नहीं ले रहे हैं। जो चंदा नहीं दे रहे उनके पास ये ED भेजते हैं, उन नेताओं के पास, और इस तरीके से ब्लैकमेल करके लोगों को अपने पक्ष में कर रहे हैं। और बात फ्री वैक्सीन की कर रहे हैं, 6 के कांग्रेस के समय में पोलियो की फ्री में लगाई गई है, लोगों को लगी है जो सामने खड़े हैं। कांग्रेस की हालत तो ऐसी हो गई, लोग वोट तो छोड़ो चंदा भी नहीं दे रहे इनको। अरे कुछ देख के तो चंदा उसी को देते हैं जिसको विश्वास होता है। चलिए, और पार्टी का रोजगार के मामले में कहना चाहूंगा, भाजपा के साथियों को ध्यान देना चाहिए कि 2014 के पहले
जो रोजगार की दर थी मनमोहन सिंह जी के समय 35% थी, और आज WLO वर्ल्ड लेवल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है 80% बेरोजगार है देश में। क्या ये मुद्दा नहीं है? आज हम लेबर ढूंढे तो लेबर नहीं मिलता भाई साहब। ये बेरोजगार की बातें जो करते हैं ना, बेरोजगार वही है जो स्वयं काम करने नहीं जा रहा है। नहीं तो हर व्यक्ति के लिए रोजगार है। आप, मैं भी व्यापारी भी हूँ, मैं किसान भी हूँ। आज मैं चाहूंगा आज मुझे 50 आदमी मिल जाए तो आज बाजार में वो उपलब्ध नहीं है, मार्केट में नहीं है। लेबर की समस्या हो रही है, बेरोजगारी की कहाँ बात करते, कौन बेरोजगार है? हाँ, कांग्रेस ही जरूर बेरोजगार हो गए, सत्ता से बेदखल हो गए, कांग्रेस ही बेरोजगार हो गए। मेरे भाइयों को कांग्रेस ही बेरोजगार दिख रहे हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दे के पाल रहे हैं। बेरोजगारी नहीं है तो क्या है? भुखमरी नहीं है तो क्या है? ये दुर्भाग्य की सौगात है, हद कर दी इनने तो। सर माना चाहिए, तुम मरो आप लोग, अपनी जातियों को फ्री में अनाज की बात कर रहे हो, विकास कह रहे हो आप। शर्म किसको आना चाहिए जिसके शासन में भूखे लोग मर रहे थे, ठंड में मर रहे थे, बिना मकान के मर रहे थे, शर्म उनको लगना चाहिए। लाल गेहूं बामे भी वो तुम्हारी हमारी गाजर घास मिली भाई, वो खिला खिला के तुमने लोगों को, बात करते हैं राम मंदिर की बात मत करो, हमें इतने लोगों में मैं अकेला हूँ जवाब देने के लिए। जिस दिन से हम रामशिला पूजन कर रहे थे उस दिन से विरोध चालू है। कांग्रेस लगातार राम मंदिर का ये मुद्दा, ये राम मंदिर के बहुत ऐसी बनती है भारतीय जनता पार्टी। करेली नगर एक सनातन मंदिर ट्रस्ट है, करेली में 113 एकड़ जमीन है उसकी, राम मंदिर में भी जमीन लगी, हर्रई माता ये मंदिर जहाँ अपन खड़े डिबेट हो रहे इसमें भी लगी है, सब में राम मंदिर की जमीन लगी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग उस मंदिर को बनने नहीं दे रहे। क्यों नहीं बनने दे रहा? नगर पालिका के सामने हनुमान मंदिर, करेली के मंदिर तुम बना नहीं पा रहे, राम मंदिर हनुमान मंदिर के तुम मंदिर नहीं बना पा रहे, सब किराए से दिए है, सब किराए से दिए है, और 300-400 रुपए किराया। मैं बड़ी विनम्रता से ये बात रखना चाहता हूँ, करेली में राम मंदिर समिति थी, भ्रष्टाचार के चलते उसको अलग किया गया, पृथक किया गया। कोर्ट में एक मामला, कोर्ट में मामला है, एक मिनट बात सुनना पड़ेगी। सवाल है तो सवाल है तो जवाब सुनना पड़ेगा। सनातन मंदिर समिति में जितने मेंबर थे, जो ट्रस्टी थे, पूरे कांग्रेसी थे, आ गए पैसा, कोर्ट ने आदेश दिया, पैसा जमा करना पड़ा, भटक रहा है। हमारा मतलब ये है, बन नहीं रहे अभी फिलहाल में। आप कांग्रेस की क्या स्थिति है सोच रहे हैं? ये भी सीट फंसी है, जैसे पिछले बार में 28 सीट जीत रही है, सिर्फ बीजेपी जीत रही थी, एक सीट बचा पाई थी, तो आज क्या स्थिति? देखिए सीधा सीधा चुनाव पलट रहा है, इस बार 29 की 29 सीट कांग्रेस जीतने जा रही है मध्य प्रदेश में। अगर इन लोगों को इतना ही विश्वास है तो 400 सीटों पर न लाने वाले 400 पार का नारा कहां से दे रहे हैं? अच्छा दूसरा, अगर इनको इतने जीतने का भरोसा है तो मोदी जी पिपरिया आगे क्या कर रहे हैं? 400 सीट पर बीजेपी लड़ाई नहीं रही है, एनडीए की बात कर रही है, बीजेपी की नहीं, बीजेपी को 370 आपको बता रहे हैं। कांग्रेस मध्य प्रदेश में क्या, मध्य प्रदेश में 29 एनडीए मोदी जी हर मामले में बोल रहे हैं, एनडीए 400 पार, धारा 370 जो कश्मीर में खत्म करी थी उसमें भाजपा 370 जी, भाजपा 370, कांग्रेस को बता 200 में लड़ रही है। हमारे इंडिया गठबंधन की एक हमारी अलायंस पार्टी है, आप पार्टी केजरीवाल जी का नारा है कि 400 पार नहीं, तड़ी पार इस बार भैया बहुत अच्छा रहा 370 हटी, दुर्भाग्य से आज तक एक प्लाट किसी ने नहीं लिया उधर जाके। और दूसरी चीज सर, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि कश्मीर में ये बता दे कि एक भी भाजपा का कोई प्रत्याशी लड़ रहा हो चुनाव लोकसभा का? 370 हटना थी नहीं हटना है, 370 हटी है और 370 कहाँ हटी है? 370 की परिभाषा अलग है, हटी कहाँ है? अगर आप तो जो कागजों में प्लाट खरीदवा के बता दो किसी को भी है उसमें अभी भी पेट फंसे हैं कई तरीके के, प्रचार विज्ञापन अलग बात है और वास्तविकता अलग बात है, प्लाट है 370 मामला है। मेरा तो एक उद्देश्य है, हम सब
मिलकर सबसे निवेदन है कि क्षेत्रीय प्रत्याशी को जिताएं, जिससे जिससे कि इस करेली की आईटीआई बन जाए, सिविल कोर्ट बन जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज बन जाए, कुछ न कुछ करेली का विकास हो जाए। लंदन में क्या हो रहा है, हमें कोई लेन देन नहीं, करेली का विकास दबा दो भैया, रोजगार दबा दो। दो बात की, एक बात हमारा नारा है, दीनदयाल जी ने कहा है देश में एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, मतलब जिस देश के हम नागरिक हैं। ये हमारे अभी हमारे जो अभी जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है उसमें मोदी जी ने स्पष्ट घोषणा की है। अभी तो ये छोटे निर्णय हुए, अगली बार इस जो पंचवर्षीय आएगी मोदी जी के द्वारा और बड़े निर्णय जिसकी देश को आवश्यकता है, हमारी पीढ़ियां जिसका कई पीढ़ियों से हम इंतजार कर रहे थे, वो निर्णय अभी आना शेष है। कुछ समय की कमी है और अगली बार हम फिर नए मुद्दों के साथ में आते हैं और एक एक कमेंट लेके इस चौपाल को खत्म करते हैं। क्या मानते हैं इस चुनाव की क्या स्थिति है? मैं होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र नर्मदापुरम संसदीय क्षेत्र से 2 लाख से ऊपर वोटों से संजय शर्मा जी चुनाव जीत रहे हैं, विजयी हो रहे हैं। 2 लाख से जीत रहे हैं, इसको देख ले थोड़ा सा। कांग्रेस की पूरे हिंदुस्तान में 20-25 सीटें मिल जाए, बड़ी बात समझ लाई। ये अपने मुखिया को जिता लें वो ही बहुत बड़ी बात है। मध्य प्रदेश में मुखिया जीत जाए तो बहुत बड़ी बड़ी बात। सब अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं। ये तो चुनाव परिणाम ही बताएगा कि आने वाला समय क्या स्थितियां बनती हैं। नरसिंहपुर से कैमरामैन संजीव पटेल के साथ अनिल ममा।